तो ऐसा कुछ नज़ारा है अभी स्नोफॉल के बाद यहाँ पे, व्यू अल्टीमेट है, एक नंबर। तो अभी मैं, दीदी और समर्थ आ गए हैं रिज के ऊपर, यहाँ पे करें एंजॉय। और रिज का नज़ारा बहुत अच्छा है अभी, तो यहाँ बर्फ हटा दी और साइड साइड में है बर्फ अभी। कमांडो भी लगे थे और ITBP के कमांडो, और इसके बाद इस साइड को लगी है JCB। ये है इधर गांधी जी की मूर्ति, उधर है गांधी जी की मूर्ति, आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति है। समर्थ JCB कर रहा है बार बार, JCB समर्थ ने तंग कर दिया है, बोल रहा मैंने JCB देखनी है और कुछ नहीं करना है। वो है तेरी JCB, वो है तेरी JCB, वो है आया JCB वाला तो बहुत बड़ा। तो अभी JCB से हटा रहे हैं यहाँ पे बर्फ, तो इस साइड तो हटा दिया थी, हटा दी इन्होंने, और इस साइड अभी यहाँ पे करीबन 4-5 इंच है, मतलब बैठ गया है जैसे चल रहे हैं लोग, तो वैसे बर्फ बिल्कुल बैठ गई यहाँ पे। दीदी की आज ऐसे 2 बजे तक ड्यूटी थी, तो अभी दीदी जो है जल्दी आ गए। मैं और समर्थ गए थे दीदी के पास ड्यूटी को, वार्ड सिस्टर, हाँ दीदी की वार्ड सिस्टर ने दी, दीदी को छुट्टी की जाओ आगे घूम के आ जाओ, तो अभी दीदी आ गए हमारे साथ घूमने के लिए। आगे आगे चलना, झंडा भी नहीं आज ठीक है ना, चढ़ाएगा झंडा लगाया आज। क्या बोले मुंह क्यों खोलो नकता देख ले ना, मुझे बोला बात कर तो देख लिया। क्या करते तूने, मुंह खोलना है? नहीं बोले मुंह क्यों खोलना है मम्मी ने, मुंह आ जाए तेरा। म्यूजियम के पास पहुंच गया मामा, थोड़ी देर देखी चमक कैसी आ रही है ना म्यूजियम पर, ये लगे तो मतलब चमक चमक ही रहा ही। जाकू टेंपल भी दिख रहा है यहाँ से, वो ऊपर हाँ, ये मेरी उंगली के साथ में ये है जाकू टेंपल। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है यहाँ से पूरी, और अब हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं। सारी बर्फ पड़ी समर्थ इस बार, किस बार कितनी सारी बर्फ पड़ी बताए, गंदा आदमी। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है ये कह रहा था, ये ना बड़ी बड़ी बर्फ पड़ गई मामू, समर्थ ऐसे ऐसे कह रहा था ना, कोई बड़ी बड़ी बर्फ पड़ गई मामू, इतनी ज्यादा बर्फ। इस साइड अभी हटी नहीं है बर्फ, और इस साइड चलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, स्लिप हो गया पैर अभी। आ जा आ जा, आ जा। देख तू तरफ को चलते हैं इधर, लाला लाजपत राय जी की मूर्ति लगी है इधर, वो वाली लाला लाजपत राय। इस तरफ को कालीबाड़ी का मंदिर, अगर आपने कालीबाड़ी मंदिर जाना तो इस तरफ से जा सकते हो। ये बनाया किसी ने स्नोमैन, ओ तेरे की समर्थ, पेड़ों के हाल तो देख ऊपर, ओ पेड़ों के हाल तो देख ऊपर, मैं दिखाता देखो काफी आगे आ चुके हैं अब पुलिस असिस्टेंट रूम के पर। देखो आ जा, इधर तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है शिमला पूरा, व्हाइट व्हाइट चादर दिख रहा है सब तरफ, जिस तरफ देखो बर्फ बर्फ बर्फ, बस करीबन 2-2 फुट तो है ही बर्फ सब तरफ, हमारे वाले इस तरफ को 3-4 फीट है, इस तरफ को 2-2.5 फीट इतनी है। टेंपल भी यहाँ से दिख रहा है, उधर से इसके ऊपर वाली साइड से जा सकते हैं ऊपर जाकू टेंपल पर। आजकल जाना तो आज तो जाना भी मतलब खतरे से खाली नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है और पैर ऐसे फिसल रहे हैं हमारे भी, पहले तो बुरा हाल है, यहाँ ही बुरा हाल है, तो ऊपर तो जाना बहुत ही मतलब खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो चलना बड़ा मुश्किल है। समर्थ भी पूरे मजे ले रहा हमारे साथ स्नो के यहाँ पे, और इसको तो 2-3 बार तो गिर भी चुका है समर्थ। अच्छा ले ले, नहीं गिरता तो ले, तेरी तरफ किया मैंने फोन को, ले आप बोल तू। फोन
Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. मैं मेरे पूरा कंपटीशन दे मैं बांध अब समाप्त हो रहा है अब आगे और खाएंगे बर्फ आगे नहीं खाएंगे अब आजा 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 एक अंडी मैं देता हूँ देखो और इधर 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 रुको ये ले तो गाइस जेसीबी लगी है यहाँ पे जोरों से बर्फ को हटाने में थोड़ी तो इस साइड को हटा दिया इन्होंने और जो बीच वाला एरिया है वो साफ कर दिया इन्होंने समर्थ के देखो समर्थ पूरे मजे कर रहा है आज हमारे साथ में मम्मी के साथ में कि स्नो के पूरे मजे लिए इसने आज अब हम आ चुके हैं मार्केट से और बहुत बुरे हाल हो गए ठंड से हाथ ठंड गए पैर ठंडे हो गए बिल्कुल और हमारा जो इग्लू था ये भी बेचारा टूट गया क्योंकि ऊपर से पूरी बर्फ गिरी और नीचे इसके सीधे इसके ऊपर गिरी अब इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो टूट गया है तो कल हम बनाएंगे इसको दोबारा से तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल